खामोश चपड़गंजू, अब मेरे हाथों से बच के कहाँ जाओगे? ओए डायलॉग मार के वो तेरे हाथ नहीं आने वाला। मेंढक पकड़ने के लिए फुर्तीला होना जरूरी है। हाँ, जैसे बलवंत 20 साल पहले था। ओ जी, मैं तो अब भी फुर्तीला हूँ। लगी शर्त कि इसे मैं पकड़ता हूँ या आप? लगी शर्त मैं ही जीतूंगा। पकड़ लिया, मैं शर्त जीत गया। ओए ऐसे नहीं पल्ला जी, पहले मेंढक दिखाओ। ओ पल्ला जी, ओ मेंढक कर गया चुल और डब्बा हो गया गुल। मिमिक्री भाव। अरे क्या भैया, बलवान तेरी उम्र हो गई है, देख देख सांसें फूल गई है तेरी। ओए जी, ओए सांस तो आपकी फूल गई है, मैं तो अभी जवान हूँ। खामोश, दोनों की उम्र हो गई है लेकिन बचपन नहीं गया है। देखा भतीजे ने कैसे चुस्ती से पकड़ लिया। हाँ खोजी अंकल, बोलिए। फाउंटेन ऑफ यूथ बनाया है। ओ अच्छा, मतलब ये ड्रिंक पीते ही कोई भी बुढ़ा इंसान जवान हो जाएगा। ये तो कमाल का ड्रिंक है अंकल। हाँ, अरे ये कहाँ गए? फाउंटेन ऑफ यूथ के बात सुन के भाग गए। ओ नो, ये दोनों कहीं खोजी अंकल की लैब में तो नहीं गए? ये क्या? अरे बलवान हल्ला जी, ये आप दोनों क्या कर बैठे? ओ मैंने कहा खोजी साहब, आपका एक्सपेरिमेंट हमेशा मुझ पे ही तो ट्राई होता है। मन मौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। अब ये रोबोट बनेगा मेरा सबसे बड़ा हथियार और फिर मैं बनूंगा द किंग ऑफ फंटूस नगर। अब तुम एकदम असली भतीजे लग रहे हो। हाँ मनमौजी अंकल, बोलिए अब आगे का क्या प्लान है? शाबाश मेरे रोबोट, अब तुम फौरन चाचा के पास जाओ और भतीजे की जगह लेकर वो सब करो जो भतीजा कभी नहीं करता। फिर काम हमारा और बदनामी चाचा भतीजे की। तब तक मैं असली भतीजे का इंतजाम करता हूँ। अरे भतीजे, तुम्हारा फोन है। ओए भतीजे, ओ जल्दी से आ, डंगा और ढोलकी ने चाचे को किडनैप कर लिया से। ओ भतीजे, मैंने तेरे पिकनिक स्पॉट पर अपनी जीप भेज दी से, जल्दी से उसमें बैठकर फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। बाय दोस्तों। अरे पुलिस स्टेशन तो इस तरफ है, आप लोग यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैसे आप लोगों को पुलिस स्टेशन में कभी देखा नहीं मैंने। ओए भतीजे, तू अपनी पिकनिक छोड़ के इतनी जल्दी क्यों लौट आया? चाचू के बिना भतीजा भला रह सकता है क्या? ओए हाँ भतीजे, मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था। ओ डेंगर डिंडी डांडी। चाचू स्कूटर रोको। चलो चाचू, इस गोल्ड शोरूम में चलते हैं। है
गोल्ड शोरूम में। मगर हमें यहाँ क्या करना है पतिजे? हमें तो कोई खरीदारी ही नहीं करनी। आओ भतीजे, कहिए क्या दिखाऊं? जरा बढ़िया से गहने दिखाइए। हाँ भतीजे, अभी लो। और दिखाओ, सब एक साथ दिखाओ। और ये हो गई गिल्ली पार। ये कौन है जिसने मेरी लस्सी बर्बाद कर दी? अंकल, गिल्ली लौटा दीजिए। गिल्ली के बच्चे पैसे का पेड़ पे उगते हैं। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन गिल्ली पेड़ से ही बनती है। आप नहीं दोगे तो मेरे पास दूसरी है। ओए बिट्टू, ओए गुल्ली डंडा, तुम्हें यहाँ रोड पे नहीं खुले मैदान में खेलना चाहिए। अरे चाचा, मैं कोई भतीजे की तरह चुटकू खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरे जैसे चैंपियन के लिए मैदान छोटा पड़ता है। ओए भतीजे के बारे में कुछ नहीं बोलना, उसके नखून के भी बराबर नहीं हो तुम। अच्छा, तो क्या आपका भतीजा ऐसे गिल्ली उछाल के ऐसे मार सकता है? ओए देखा भतीजे का कमाल, हो गई टाई टाई फिस। टाई टाई फिस तो आप लोगों की होगी जब मेरी टीम आप लोगों को गिल्ली डंडे में हराएगी। ओए चाचा को चैलेंज, अब तो हो जाने दो गिल्ली डंडा कंपटीशन। क्यों भतीजे? चाचू, अब बोला ही है तो हो जाने दो। मेरा नाम है मामा मिया। मैंने हमेशा चीटिंग किया। लेकिन मामा, इस बार ऐसी सुपर चीटिंग करनी पड़ेगी कि उस चाचा भतीजा का मुंह काला हो जाए। अरे भांजे, पहले दुश्मन की प्लानिंग पता करो, उसके बाद अपनी चीटिंग प्लान करो। गिल्ली डंडा में जिसकी गिल्ली सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाती है वो जीतता है। ओए भतीजे, मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और चाचे के पंछी ढूंढ रहा है और गिल्ली तो यही नीचे से है। रे सब हट जाओ बाजू, यो तो मन नहीं शोभा देता है। वाह मैडम जी, क्या शॉट मारा है। सिक्सर। ओए बहादुर, वो गुल्ली नहीं डंडा था, और ये क्रिकेट नहीं है। चाचू, ये क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट और इसमें एक चीज कॉमन है। ऑपोजिट टीम की गिल्ली अगर हमने कैच कर ली तो वो आउट हो जाता है। ओए भतीजे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये, ये, ये। आए, कितनी भूख लगी है। ओए भैंस की पूंछ बहादुर सिंह, ओ मुझे इस कॉकरोच से बचा। मैडम जी, मैं आपको बचाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा? मंगू जंगू रंगू, देखो ये नाश्ता हमारा इंतजार कर रहा है। ओए भैंस की पूंछ, यो तो मेरा टिफिन खा रहा से। अरे कल से खाना थोड़ा तीखा लाने का, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। भैंस की पूंछ, ओ यो कॉकरोच तो खाना खा के बड़ा हो रहा है। ओ भागो। वो कोई मामूली कॉकरोचेस नहीं है बंदूकनी जी, सुपरसोनिक कॉकरोचेस हैं। उन्होंने एक महान साइंटिस्ट की सुपरसोनिक दवा पी ली है
जिसके कारण वो सुपर सोनिक कॉकरोचेस बन गए। अच्छा, और वो महान साइंटिस्ट कौन से? अरे खोजी सिंह, और कौन बंदूक निजी। अच्छा, तो ये आपकी मेहरबानी का नतीजा है। फिर तो आपको इसका पुरस्कार भी जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारे ऑफिस में कॉकरोच आ गए। माफ कर दो भाई। ओए माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगी। जाने दीजिए बंदूक लीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। खोजी अंकल, आप जल्दी से कोई दूसरी ऐसी दवा दीजिए कि वो कॉकरोचेस वापस अपने पुराने शेप में आ जाए और यहाँ से भाग जाए। ये लो, खोजी की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। ये दवा जाकर कॉकरोचों पर डाल दो तो वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाएंगे और फिर भाग जाएंगे। एक साथ ही सारी दवा उन कॉकरोचेस पर डाल दूंगा ताकि एक भी ना बचे। बचोगे तो आप लोग नहीं, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, हमारे घर में आके हमी को धमकाते हो? अभी तुम सबको खत्म कर